न्यूज़ सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की कुछ खास खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की ओर से शुभकामनाएं। नगर पालिका प्रशासक एवं आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाढ़, बिजली गिरने से 57 की मौत, 250 से ज्यादा पशुओं की मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की ओर से शुभकामनाएं। भारत रत्न भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नितिन गडकरी एवं उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका अभिवादन किया। दीक्षा भूमि क्षेत्र में स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, पूर्व मंत्री सुलेखाताई कुंभारे, विधायक प्रवीण दटके, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, अंतर्राष्ट्रीय न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति डॉक्टर सुधीर फूलझेले, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, श्री विलास गजघाटे उपस्थित थे। बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा देश को दिया गया संविधान एक अनमोल उपहार है। संविधान आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भविष्य का आदर्श मार्ग सुरक्षित और सुगम बनाता है। भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा। उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर विविधताओं से भरे भारत को अशून्य रखने का काम किया है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि उनकी विविधता और दूरदर्शिता के कारण देश एक अनुकरणीय राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका प्रशासक एवं आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन किया। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग द्वारा रविवार को नगर निगम मुख्यालय के लॉन में अग्निशमन सेवा दिवस के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस समय वो बात कर रहे थे कि मुख्य अभियंता श्री राजीव गायकवाड़, उपायुक्त श्री प्रकाश वराड़े, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देशक श्री महेश धमेचा, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री बीपी चंद्र खेड़े उपस्थित थे। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी सहित गणमान्य लोगों ने आग से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद गुलाब राव कावले, प्रभु कुहिकर और रमेश ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग की ओर से नगर आयुक्त को सम्मानित किया गया। कमिश्नर ने परेड का अवलोकन कर अग्निशमन कर्मियों की सलामी स्वीकार की। आगे बोलते हैं नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सितंबर 2023 में आई बाढ़ जैसी स्थिति के दौरान अग्निशमन कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की सराहना की और उनसे शहर के लिए समर्पित भावना के साथ लगन से काम करना जारी रखने का आग्रह किया है। जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे सुरक्षा का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। शहर में फायर स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर 9 फायर स्टेशन कार्यरत है। इस संख्या को 22 तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। उन्होंने यह विश्वास भी जताया है कि पुराने केंद्रों को भी अवधुत किया जा रहा है और जल्द ही ये केंद्र नागरिकों के लिए सुलभ हो जाएंगे। नगरपालिका यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि अग्निशमन विभाग नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित हो। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है। कमिश्नर ने यह भी कहा कि ऐसी जगह पर किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए 70 मीटर का हाइड्रोकोलिक प्लेटफॉर्म खरीदा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाढ़, बिजली गिरने से 57 की मौत, 250 से ज्यादा पशुओं की मौत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भारी बारिश और बिजली गिरने से 57 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोनों देशों में 1000 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो 250 से ज्यादा पशुओं की भी मौत होने की खबर आई है। जान गंवाने वालों में अफगानिस्तान के 33 और पाकिस्तान के 24 लोग शामिल हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौत पंजाबी प्रांत में दर्ज की गई है। दोनों देशों के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तालिबान के प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल्ला जमान शेख ने बताया कि बाढ़ ने राजधानी
काबुल व देश के कई अन्य प्रांतों पर प्रभावित किया गया है। बाढ़ से लगभग 800 हेक्टेयर की फसलें नष्ट हो गई है और सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पश्चिम फरा, हेरात, दक्षिणी जाम्बुल व कधार प्रांतों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भी अधिकांश में तेज बारिश हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ की ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।